दोस्तों आज भी बहुत लोग हैं ना जो ऑटो होल्ड फीचर का करेक्ट यूसेज नहीं बता पाते हैं, मतलब वो कई बार हिल डिसेंट कंट्रोल या हिल असिस्ट कंट्रोल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ऑटो होल्ड कंट्रोल का एकदम सिंपल सा फीचर है। पहले क्या है कि जब अपने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी, अब आपको ब्रेक प्रेस करके क्या है कि पहले मैं म्यूजिक ऑफ कर देता हूँ। तो ब्रेक प्रेस करके आपने लीवर को शिफ्ट किया डी मोड में, फाइन। अब डी मोड में जैसे ही आप ब्रेक छोड़ेंगे आपकी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ने लगेगी, ये देखिए। अब सिग्नल पे खड़े होते वक्त क्या करते हैं कि अपने ब्रेक प्रेस करके रखना पड़ता है या फिर आपको न्यूट्रल या पार्किंग मोड में शिफ्ट करना पड़ेगा, बट वो करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट ऑटो होल्ड फीचर को प्रेस कर दीजिए, यहां देखिए ऑटो होल्ड फीचर ग्रीन हो गया। अब जैसे ही आप ब्रेक छोड़ेंगे आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, ये देखिए रुकी हुई है, आपके डी मोड में है बट गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अब आगे बढ़ने के लिए आप जस्ट एक्सीलरेटर प्रेस करिए और आपकी गाड़ी जो है देखिए आगे बढ़ने लगी। तो ये एक्चुअली बेसिक यूसेज है आपका ऑटो होल्ड फीचर का।